सब कंक्लूजन निकालना कि गलती प्रॉपर किसकी थी। खतरनाक लग रही है ना भाई ये प्रॉब्लम, पता नहीं कब सॉल्व होने वाली है। तो हमारी लग चुकी है रेस। हेलो भाई, सो व्हाट्सअप, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। हियर इज हिम बाइक ऋषि। आज का प्लान हमारा कुछ बढ़िया सा है। तो ये जो आज मैं राइड कर रहा हूँ ट्यूसडे को, ये ऐसे शेड्यूल कर रखी थी संडे को, लेकिन मौसम थोड़ा सा ख़राब था। अभी का टाइम हो रहा है 1:15। ओहो, फुल पावर, एंजॉय करते करते जाएंगे। अकेले जो राइड की फील है ना, वो अकेले ही आ सकती है। खतरनाक मौसम हुआ पड़ा है पालमपुर में, हो सकता है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तभी तो मज़ा आएगा। आज फुल पावर एडवेंचर। तो अपना पूरा सेटअप चेक करवाता हूँ आपको सीधा आगे। इस साइड जो बादल है ना, खतरनाक। ये गलत सीन है, मौसम तो बढ़िया है, बस बारिश का बन जाए थोड़ी देर में तो और ज़्यादा आनंद आ जाएगा। तो लास्ट टाइम अगर मैंने आपको बताया होगा, मुझे खुद याद नहीं है, आलमपुर में हमारा चलान होते होते बचा था, पीछे साहिल को बिठाया था और उसने हेलमेट ही उतार दिया था। भाई ये प्रॉब्लम पता नहीं कब सॉल्व होने वाली है। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, गलती तो हमारी भी है, जो हम हर कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अपनी पूरी प्रॉपर्टी कवर करके इनको बाहर निकाल रहे हैं। बट अब जैसा चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट चाहती है वैसे ही होगा। गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल कौन ही है। एक तो टैक्सी वाला स्लो कर रहा है, इससे आगे निकलना पड़ेगा। तो बाइक की जो मैंने पिस्टन की डलवाई है, अभी 700 किलोमीटर नहीं हुए हैं, हो गया। ओ भाई, एक्सीडेंट होते होते बचा। लग चुकी है रेस। नहीं निकल पाएगा भाई तू। भाई कर ले भाई, तो चला गया। मैंने सोचा मज़ा आएगा अब रेस करने का। यहाँ पे तो फील आती है ट्रैक वाली। ये देखो है कैसा रोड, ये पूरा मौसम चेक करो भाई। ये देखो अब जो हुआ ना, यही सेम सीन हुआ था मेरे साथ। गियर शिफ्ट में हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि अभी काम करवाया है, फर्स्ट सर्विस के बाद होगा सब सेट। ये अंकल वगैरह ही हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले। टेस्ट करते हैं आज, मैंने गैस मारा है, अभी दिख नहीं रहा कोई भी कौन है ड्राइवर। एक तो भाई पीछे भी चल रहा है ये। सभी ने भगा रखी हैं, फिर ठुकेंगे तो गलती बाइक वाले की है। तो लास्ट टाइम जो हमने राइड की थी, तो सभी की बाइक अटक गई थी, लेकिन भाई मेरी बाइक नहीं अटकी। तो वहाँ पे पता चलता है, दो सेगमेंट्स बना दिए ना, एक तो ऑफ रोडिंग बाइक और एक स्पोर्ट्स, और पल्सर बन जाती है जो दोनों में आती है। मतलब पल्सर्स की जितनी भी बाइक्स हैं ना, वो दोनों सेगमेंट में आसानी से फिट हो जाती हैं। ये बनाई उसी हिसाब से है, आपकी इच्छा है जहाँ मर्जी ले जाओ। ये देखो ऑफ रोड तो हम ऐसे करते हैं। मेरे हेलमेट में चिन कवर नहीं है, उसकी वजह से विंड ब्लास्ट होता है। अब देखना रिएक्शन। सो थुरल में रुकने वाला हूँ मैं, जहाँ पे एक बढ़िया सी लोकेशन है। पूरी बातें शेयर करता हूँ, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं।
तो ये चेक कर लो, यहाँ पे हमने आज पीछे बैग लगा रखा है, इसमें थोड़ा सामान खाने पीने का, पानी पुनी वगैरह, और पीछे टेल लाइट जो थी मैंने स्मोक कर दी है, खुद की है, खतरनाक लग रही है ना। तो वाटी स्टेट पालमपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जा रहे हैं गाइस वहीं पे। तो यहाँ पे इन्होंने करनी होगी पार्क, तो वाटी स्टेट जो है मैंने भी रील्स में देखी थी, ये यही बटरफ्लाई बटर में भाई। एक तो बसेस ना बीच में चलाते हैं ये इनको, जैसे हम बाइक राइड करते हैं तो हमने साइड में निकालनी हो तो इंडिकेटर वगैरह देते हैं, बसेस का कुछ ऐसा सीन है ही नहीं। मैं कल जा रहा था, एक बस के पीछे ना टेल लाइट काम कर रही थी, ना इंडिकेटर कुछ नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों चलाते हैं इनको। मेन मोटिव बना रखा है पैसे कमाना, जिस चीज़ से कमा रहे हो उसे तो अच्छे से रखो। तो डिलीवरी बॉय के साथ रेस करते हैं, तो ये जो मेरा क्रैश हुआ था इसमें ये वीडियो देखो पहले, इसमें ये जो आपको टेल लाइट दिख रही है ये मैं प्रॉपर दिखाता हूँ स्लोमो में। तो ये टेल लाइट पहले से टूटी हुई थी और डेंट भी पहले से था, और गाड़ी ये अभी टेम्परेरी नंबर है इसके ऊपर। अब सोचो ये कैसे हुआ होगा, और सेम साइड में मैं भी वैसे ही भिड़ा। तो अब कंक्लूजन निकालना कि गलती प्रॉपर किसकी थी। मैं नहीं कह रहा मेरी भी थी, लेकिन ज़्यादा गलती किसकी थी, मैं नहीं कह रहा मेरी ज़्यादा गलती भी नहीं थी, मेरी बहुत ज़्यादा गलती थी, और मैं गलतियाँ करता हूँ भाई, मज़ा आता है। फिर तुम सबके कमेंट्स आते हैं छपरी छपरी, और छपरी तो आजकल मुझे ऐसा लगता है अवॉर्ड सा, ये भाई मैं छपरी हूँ भाई। ओ ये देखो सबसे बड़े गधे लगते हैं मुझे ये भाई, ये अलग सी पावर पकड़ रही है, जैसे मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ और बारिश पड़ गई। तो मैंने सुना ही था कि पालमपुर साइड चलता चलता बादल भी बरस जाता है, वो मैं आज लाइव देख रहा हूँ। ये क्या डब्बू था, माचिस की डिब्बी भी इससे बड़ी होती है।